हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 7। आज मैं आपको लेक्चर नंबर 7 में चैप्टर 2 स्टार्ट करूंगी। चैप्टर 2 तो बहुत ही फेमिलियर है आपके लिए, आपने इसके बारे में लास्ट स्टैंडर्ड में भी बहुत कुछ किया हुआ है। चैप्टर 2 का नेम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शंस के बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन आपने काफी कुछ किए हैं, और उनके स्टोरी यानी कि सॉल्व द फॉलोइंग भी आपने काफी कुछ किया है। फ्रैक्शन को किस तरह से डेसिमल में चेंज करना है वो भी मैं आपको लास्ट स्टैंडर्ड में काफी कुछ आपने सॉल्व किए हुए, बस उसी का ही थोड़ा कुछ हम यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करती हूँ। एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व। बस इतना सा हेडिंग है सॉल्व। सॉल्व यानी कि आपको अपने फ्रैक्शन के क्वेश्चन को देखना है, उस क्वेश्चन को देख के आपको बताना है, आइडेंटिफाई करके आपको एडिशन है तो एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे आपको फ्रैक्शन के बीच में सब्ट्रैक्शन है। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन के बीच में आपको एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो, सबसे पहले रूल है कि आपको डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में 2 - 3/5 दिया है। अब मैंने जैसे कि बोला कि डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, तो यहाँ पे 2 के नीचे कोई डिनोमिनेटर है ही नहीं। तो अगर जब आपको कोई डिनोमिनेटर नहीं दिया होता है तो आपको उसे नीचे 1 लगा देना है। तो अब क्या है डिनोमिनेटर? 1.5। अब आपको 1.5 का एलसीएम निकालना है और उसके डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। तो हम 1.5 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? 5 1 ज़ा 1 एंड 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5। तो एलसीएम क्या आएगा? 5। आपका एलसीएम है 5। आपका एलसीएम क्या है? एलसीएम ऑफ 1.5 इज इक्वल टू 5। तो अब हम इस डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, तो मैंने क्या करूंगी, इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। वही नंबर को आपको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। तो 2 5 ज़ा 10, 10/5। और यहाँ पे ये तो पहले से ही डिनोमिनेटर 5 है, इसलिए 3/5 हो जाएगा। 5/5 हुआ है, डिनोमिनेटर 5 5 है, इसलिए मैं उसे सिंगल 5 लिख देती हूँ। और ऊपर क्या लिखेंगे? 10 - 3। सो 10 - 3 यहाँ पे क्या है? प्लस, प्लस माइनस माइनस, 10 - 3 7, 7/5। तो इसका आंसर क्या है हमारा? 7/5 इज द आंसर ऑफ 2 - 3/5 का आंसर है 7/5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू है 4 + 7/8। यहाँ पे भी 4 के नीचे आपको डिनोमिनेटर नहीं दिया है, तो हम 4 के नीचे डिनोमिनेटर 1 समझ लेते हैं, इट इज 1। अब हमको 1 और 8 के बीच में एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 1.8 इज इक्वल टू क्या आएगा? 8 ही आएगा, है ना। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, 1 को 8 में चेंज करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 की टेबल में 8 कब आता है? 8 ज़ा 4 8 ज़ा 32, 1 8 ज़ा 8, प्लस 7/8। मैंने डिनोमिनेटर को सेम कर लिया है, तो अब हम उसे कॉमन ले लेंगे और 32 + 7 लिख देते हैं। प्लस प्लस प्लस, 32 + 7, 39/8। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में हमने प्लस किया, क्वेश्चन 1 में हमने माइनस किया था। अब क्वेश्चन नंबर थ्री 4 और 5 वो आपको अपने आप से सॉल्व करना है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 2 2/3 + 1 3/1/2। ये कौन सा फ्रैक्शन है? ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसे आंसर को हम टू न्यूमरेटर से प्लस करेंगे, यानी कि 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 8 8/3। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होता है वही नंबर आपको फिर से यहाँ लिख देना है। प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 को प्लस 1 करेंगे तो 7, डिनोमिनेटर क्या है? 2। अब आपको इसके बीच में एडिशन करना है, उससे पहले आपको 3 और 2 के बीच का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 3.2 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 1 ज़ा 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, तो कितना आएगा? 3 × 2 = 6, 6 इज द एलसीएम। अब 3 को 6 से चेंज करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
क्योंकि 3 की टेबल में 6 कब आता है, 3 टू जा 6, वही नंबर आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 3 जा 6 होता है। 8 टू जा 16, 8 टू जा 16, 3 टू जा 6 प्लस 7 3 जा 21, 2 3 जा 6। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, उसे हम सिंगल ले लेते हैं, 6 16 प्लस 21, 16 प्लस 21 करेंगे तो 37 अपॉन 6 आएगा। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन क्या है, 8 1 अपॉन 2 माइनस 3 5 अपॉन 8, इसे हमें सॉल्व करना है। तो पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टू जा 16, 16 इंटू 1 17, 17 अपॉन 2 माइनस 3 8 जा 24, 24 प्लस 5 29 अपॉन 8। अब यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर में, 2 और 8 है, तो हमें फिर से डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए 2 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 1 जा 2, 2 जा 2, 2 1 जा 1 जा। आपको यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर्स ही लेना है, जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हमें प्राइम नंबर्स को ही कंसिडर करना है आपको यहाँ पे। ओके, क्या आएगा एलसीएम, 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8। 2 को 8 से 8 में चेंज करने के लिए हमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4, तो ऊपर भी मैं 4 से करूंगी और ये तो पहले से ही 8 है, तो हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 17 4 का कितना होगा, 68, 68 अपॉन 8 माइनस 29 अपॉन 8, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो उसे हम सिंगल ले लेते हैं, 68 माइनस 29, 68 माइनस 29, अगर आप 68 को 29 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपको, 39 अपॉन 8। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन 7। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इस क्वेश्चन को। ओके, इसका मतलब आपको जो फ्रैक्शन दिया है उस फ्रैक्शन को बड़े से छोटे तक अरेंज करना है। तो पहले क्वेश्चन क्या है आपका, आपका क्वेश्चन ये है, फ्रैक्शन क्या दिया है आपको, 2 अपॉन 9 कामा 2 अपॉन 3 कामा 8 अपॉन 21। अब इसे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर तो आपको पता है कि बड़े से छोटे, लेकिन इस फ्रैक्शन में बिना डिनोमिनेटर को इक्वल किए आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर बड़ा है। इसका मतलब फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर उसमें चेंज करने के लिए आपको पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। इसके लिए आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम क्या है निकालेंगे तो 9 कामा 3 कामा 21 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो मैं 3 का टेबल ले लेती हूँ, 3 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 7 जा 21, फिर से मैं 3 ले लेती हूँ, 3 1 जा 1 7, 7 1 1 और 7 1 जा 7, तो इसकी एलसीएम कितनी आएगी, 3 इंटू 3 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, एलसीएम इज 63, यानी कि आपको डिनोमिनेटर को 63 में चेंज करना है। तो हमारा क्वेश्चन है 2 अपॉन 9, 2 अपॉन 3, 8 अपॉन 21। अब 9 को 63 में चेंज करने के लिए कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7, 9 की टेबल में 9 7 जा 63, वही नंबर आपको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। 3 की टेबल में 321 जा 321 जा 63, तो ऊपर भी हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 इंटू 3 इज इक्वल टू 63, तो ऊपर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 7 टू जा 14 अपॉन 63, 2 इंटू 21 42 अपॉन 63, 8 3 जा 24 अपॉन 63, यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर को इक्वल कर दिया है। अब इसे हम डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है, छोटा नंबर और हमारा 24 अपॉन सबसे बड़ा क्या आएगा हमारा 642। अब डिनोमिनेटर सेम है तो हमें न्यूमरेटर को देखना है, न्यूमरेटर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, नंबर बड़ा वाला कौन सा है, 42, यानी कि ये पूरा फ्रैक्शन 42 अपॉन 63 इज
42 अपॉन 63 आएगा। पहले हम क्या करेंगे, 42 अपॉन 63 लिखेंगे क्योंकि 42 बड़ा है। उसके नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 24, यानी कि 24 अपॉन 63 फ्रैक्शन बड़ा है। उससे नेक्स्ट वाला 14 अपॉन 63, सबसे बड़ा फ्रैक्शन है 42 अपॉन 63, 24 अपॉन 63 एंड 14 अपॉन 63। इसे मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। लेकिन ये 42 अपॉन 63 ये किसका है, 2 अपॉन 3 का है, तो 2 अपॉन 3 आएगा। 2 अपॉन 3 कामा 24 अपॉन लास्ट फ्रैक्शन का है 8 अपॉन 21 एंड 14 अपॉन 63 2 अपॉन 9 इज डिसेंडिंग ऑर्डर। इसे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। सबसे पहले डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो डिनोमिनेटर को हमें इक्वल करना है। ओके, इसी में सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, 1/5 कामा 3/7 कामा 7/10 ये है। अब इसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हमें सबसे पहले इस फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, यानी कि 5, 7 और 10 का मैं एलसीएम निकालूंगी। तो 5, 7, 10 उसकी एलसीएम निकालेंगे तो मैं 5 का टेबल ले लेती हूँ। 5, 5 वन जा 7 का 7 आएगा, 5 टू जा 10। अब मैं ले लेती हूँ 2, तो 1, 7, 2 वन जा 2, फिर मैं लेती हूँ 7, 1, 1, 1। जब तक हमें 1 नहीं आता है तब तक हमें इसे करते जाना है। तो 5 इंटू 2 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 5 टू जा 10, 10 7 जा 70, 70 हमारा एलसीएम है। ओके, अब हमें डिनोमिनेटर को 70 में चेंज करना है, यानी कि 1/5 मुझे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 14, 14 5 जा 17 होता है। नेक्स्ट 3, 7, तो 7 10 जा 70, यानी कि ऊपर भी मुझे 70 से मल्टीप्लाई करना है। 7/10 यानी कि 7 10 जा 70। अब मैंने 14 अपॉन 70 कामा 3 10 जा 30 अपॉन 70 कामा 7 7 जा 49 अपॉन 70। मैंने डिनोमिनेटर को सेम कर दिया है। अब हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे पहले बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 49, यानी कि पूरा फ्रैक्शन 49 अपॉन 70 हम लेंगे। नेक्स्ट 30 अपॉन 70, उसके बाद 14 अपॉन 70। अभी 49 अपॉन 70 कौन सा फ्रैक्शन है, 7 अपॉन 10 का, और 30 अपॉन 70 3 अपॉन 7 एंड 14 अपॉन 70 1 अपॉन 5। देयरफॉर असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर इज 7 अपॉन 10, 3 अपॉन 7, 1 अपॉन 5। यह है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3, इन ए मैजिक स्क्वेयर द सम ऑफ द नंबर ऑफ ईच रो इन ईच कॉलम एंड द डायगनल्स इज द सेम, इज दिस ए मैजिक स्क्वेयर। अब ये कह रहा है कि एक मैजिक स्क्वेयर में अगर आप रोज को सारे रोज के सम करोगे या सारे कॉलम्स को सम करो या आप उसके डायगनल्स को सम करो तो सारे आंसर इक्वल आएंगे। तो यहाँ पे भी आपको एक स्क्वेयर दिया है और आपसे ये पूछ रहा है कि क्या ये मैजिक स्क्वेयर है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये रोज क्या है, जो इस तरह से वर्टिकल लाइन होती है उसे रोज कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से कॉलम। ओके, तो ये रोज है, इस तरह से रोज होता है और स्टैंडिंग वाली लाइन होती है वो कॉलम होता है, और डायगनल मतलब जो क्रॉस वाली लाइन होती है उसे हम डायगनल्स कहते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम करेंगे। इन्होंने क्या कहा है, सम। तो हम पहले एक एक रो, कितने रो है हमारे पास, 1, 2, 3, 3 रोज है, पूरे 3 रोज है। तो सम ऑफ फर्स्ट रो, हम फर्स्ट रो का सम करेंगे। फर्स्ट रो सम तो क्या आएगा, 4/11। फर्स्ट रो क्या है, ये है 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। इसमें आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है। तो इसे हम लिख सकते हैं 11, 4 प्लस 9 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 2 15, 15 अपॉन 11। फर्स्ट रो का कितना आया, 15 अपॉन 11। उसी तरह से हम सेकेंड रो करेंगे, सेकेंड रो सम। तो सेकेंड रो क्या है, 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11। इसका हमें डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे भी आपको एलसीएम करने की जरूरत नहीं है। तो 3 प्लस 5 प्लस 7/11 तो कितना आएगा, 15, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 5 15, 15 अपॉन 11। ओके, थर्ड रो आप करेंगे तो कितना आएगा, थर्ड रो का भी प्लस हम कर लेते हैं, सम ऑफ थर्ड रो 8/11 प्लस
वन अपॉन इलेवन प्लस सिक्स अपॉन इलेवन, तो एट प्लस वन प्लस सिक्स बाई इलेवन, एट प्लस वन नाइन, नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन, फिफ्टीन अपॉन इलेवन। देखिए हमने रोज का प्लेस किया तो 15 अपॉन 11 यानी कि रोज तो सारे सेम है। अब हम कॉलम चेक करेंगे, कॉलम मतलब स्टैंडिंग वाली लाइंस को हम देखेंगे। तो फर्स्ट कॉलम सम, फर्स्ट कॉलम का सम करेंगे तो 4 अपॉन 11 प्लस 3 अपॉन 11 प्लस 8 अपॉन 11। 11 हम सेम ले लेते हैं, 4 प्लस 3 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 15 अपॉन 11। ओके, फर्स्ट कॉलम का तो इतना आया। अब हम यहाँ पे सेकेंड कॉलम करते हैं, सेकेंड कॉलम अगर हम करेंगे तो सेकेंड कॉलम सम कितना आएगा, सेकेंड कॉलम क्या है, 9 अपॉन 11, 15 अपॉन 11 एंड 1 अपॉन 11। 9 अपॉन 11 प्लस 5 अपॉन 11 प्लस 1 अपॉन 11, तो 11 तो सेम है, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 1 15, 15 अपॉन 11। थर्ड कॉलम का करना है हमें, थर्ड कॉलम हमारे पास कॉलम 3 है और रोज भी 3 है, तो कॉलम थर्ड कॉलम क्या है, 2 अपॉन 11 प्लस 7 अपॉन 11 प्लस 6 अपॉन 11। 11 सेम आएगा, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 6 15 अपॉन 11। कॉलम की भी सम आपको 15 अपॉन 11 आई। अब हमें चेक करना है डायगनल, यहाँ पे क्या कहा है डायगनल, तो सम ऑफ फर्स्ट डायगनल, यहाँ पे कितने डायगनल है, 1 और ये 2, 2 डायगनल्स हैं। तो फर्स्ट डायगनल का हम देखेंगे, फर्स्ट डायगनल कितना है, 4 अपॉन 11 5 अपॉन 11 प्लस 6 अपॉन 11। 11 सब में सेम आ जाएगा, 9, 9 प्लस 6 15 अपॉन 11। अब सेकेंड डायगनल, सेकेंड डायगनल का सम कितना आएगा, ये है सेकेंड डायगनल, आप 2 अपॉन 11 से भी स्टार्ट कर सकते हो या तो 8 अपॉन 11 से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो 2 अपॉन 11 प्लस 5 अपॉन 11 प्लस 8 अपॉन 11 विच इज इक्वल टू 15 अपॉन 11। देखिए यहाँ पे आपने रोज को प्लेस किया तो भी आपको 15 अपॉन 11 आया, और अगर आपने कॉलम को प्लेस किया तो भी आपको सारे सेम आए और डायगनल्स भी आपको सेम आए, यानी कि देयरफॉर ये सारे सेम हैं, तो हम यहाँ पे जो आपको स्क्वायर दिया है उस स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं, इट इज ए मैजिक स्क्वायर। हम ये कह सकते हैं कि सारे सम इक्वल हैं, इसलिए हम इसे मैजिक स्क्वायर कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर स्टोरी सम है, आपको एक फिगर दिया है, उस फिगर को देख के आपको आंसर देना है। ए रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर इज 12 अपॉन 1 बाई 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब लेंथ, एंड 2 अपॉन 3 सेंटीमीटर विड्थ मतलब ब्रेथ, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो पहले तो यहाँ पे शेप कैसा है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में हमारे पास लेंथ भी आपको दिया हुआ है और ब्रेथ भी आपको दी हुई है, आपको लेंथ और ब्रेथ को यूज करके उसकी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं गिवन कंडीशन लिखती हूँ, गिवन लेंथ इज इक्वल टू 12 1 अपॉन 2 सेंटीमीटर, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देती हूँ, 12 2 जा 24, 24 प्लस 1 25 अपॉन 2 सेंटीमीटर। अब ब्रीथ आपको क्या दिया है, ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल आपको दिया है 10 2 अपॉन 3, इसको मैं चेंज करूंगी तो 3 10 जा 30, 30 प्लस 2 32 अपॉन 3 सेंटीमीटर, ये है आपका ब्रीथ। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि आपको पता ही होगा देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 ऑफ एल की वैल्यू कितनी है 25 अपॉन 2 और बी की वैल्यू 32 अपॉन 3। यहाँ पे ब्रैकेट है, इसका मतलब यह है कि आपको पहले ब्रैकेट के अंदर जो दिया है उसे सॉल्व करना है। तो देखिए ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के बीच में प्लस है, यानी कि आपको पहले 2 और 3 का एलसीएम निकाल के उसके डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। तो 2 और 3 का अगर मैं एलसीएम निकालूं, 2 वन जा 3, 3 वन जा 1 इज इक्वल टू 6, एलसीएम क्या है 6,
टू अपॉन, तो इसे सिक्स में चेंज करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, थ्री से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड कर रही हूँ, और यहाँ पे टू से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर रही हूँ। तो 25 थ्री जा होगा 75 अपॉन सिक्स, प्लस 32 टू जा 64 अपॉन सिक्स, तो 2 अपॉन डिनोमिनेटर सेम हो गया, उसे हम कॉमन कर देते हैं, 75 प्लस 64, तो 2 अपॉन 75 प्लस 64 करेंगे तो कितना आएगा, 139। अब इसे मैं कैंसिल कर सकती हूँ, 2 ब्रैकेट मतलब 2 इंटू 139 अपॉन 6, तो 2 वन जा 2 थ्री जा, तो कितना बचा, 139 अपॉन 3। ये है आपका आंसर, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। इसे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या है, आपको 139 को 3 से डिवीजन करना है, 3 फोर जा 12 तो यहाँ पे 1 9, 3 सिक्स 18 1। अब इसके आगे आप डिवीजन नहीं कर सकते, तो कैसा आएगा, आपको क्या दिया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन रिमाइंडर बाय डिवाइजर है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 46, ये आपका क्वेश्चन, ये रिमाइंडर और ये डिवाइजर, तो 46 रिमाइंडर 1 अपॉन क्वेश्चन है 3, दिस इज योर आंसर इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, सेकेंड क्वेश्चन इसी में है, आपका क्वेश्चन 2 भी है, द रेक्टेंगल, आपको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड आउट करना है और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी फाइंड, और रेक्टेंगल का नाम क्या है, बी सी डी ई इन दिस फिगर, यानी कि आपको एक फिगर दिया है, इस फिगर में आपको ट्रायंगल भी है रेक्टेंगल भी है। ट्रायंगल क्या है, ये है आपका ट्रायंगल, तो ट्रायंगल को मैं सेपरेट करती हूँ, आपको समझ में आए इसलिए मैं उसे सेपरेट करके दिखाती हूँ। ये आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल में साइड कैसे दिया है, 5 अपॉन 2 3 3 अपॉन 5, और ये बेस का कितना है, 2 3 अपॉन 4, ये ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल की आपको पहले पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व कर रही हूँ, आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और ट्रायंगल का नाम क्या है आपका, ए ई और बी, तो पहले मैं क्या करती हूँ, साइड ऑफ ट्रायंगल ले लेती हूँ, ओके ना, उसके बाद मैं आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करती हूँ, तो साइड क्या दिया है, साइड ऑफ ट्रायंगल क्या है, मेजरमेंट 5 अपॉन 2 ले लेती हूँ, कामा 3 3 अपॉन 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 2 3 अपॉन 4 सेंटीमीटर। पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देती हूँ, 15 15 प्लस 3 18 अपॉन 5, 4 2 8 8 प्लस 3 11 अपॉन 4 सेंटीमीटर, ओके। अब हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, अदरवाइज ऐसे भी कह सकते हो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड, तो यहाँ पे साइड्स क्या है, ए बी सी, ये आपकी साइड्स की मेजरमेंट है, तो उसे सम कर दीजिए, 5 अपॉन 2 प्लस 18 अपॉन 5 प्लस 11 अपॉन 4, ओके। अब इसे प्लस करना है तो आपको इसकी एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, 2 कामा 5 कामा 4 का हम एलसीएम निकालेंगे, 2 से ले रही हूँ, 2 वन जा 5 को वैसे ही लिखेंगे, 2 टू जा 4, फिर से 2 5 वन जा 5 1 1 1, यानी कि एलसीएम क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 20, इसका एलसीएम कितना आया, 20। अब मुझे डिनोमिनेटर में 20 करना है, तो इसे मैं 4 से 20 2 10 20 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी क्योंकि 5 4 20 होता है, और 4 5 20, तो मैंने कर लिया। अब यहाँ पे 5 10 50 अपॉन 20 प्लस 18 4 72 अपॉन 20 प्लस 55 अपॉन 20, डिनोमिनेटर सेम हो गया, उसे हम सिंगल लिख देते हैं, 50 प्लस 72 प्लस 55 इज इक्वल टू 177 अपॉन 20। अगर आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपको 8 1 अपॉन 8 17 अपॉन 20 सेंटीमीटर आएगा। अभी मैंने आपको बताया मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्वेश्चन रिमाइंडर बाय डिवाइजर करना है, तो मैंने इसे
यहाँ पे भी फिनिश कर सकते हो, या तो फिर इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन किया तो 817 अपॉन 20 आए, यानी कि आपको 177 को 20 से डिवीजन करेंगे तो आपको 817 अपॉन 20 सेंटीमीटर आएगा। ओके, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन भी है इसमें। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द रेक्टेंगल की भी पेरीमीटर चाहिए, और रेक्टेंगल क्या है आपका, ये वाला आपका रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल को सेपरेट करके देखिए, रेक्टेंगल में हमारे पास मेजरमेंट क्या होता है, लेंथ और ब्रीथ होती है। तो आपकी लेंथ कितनी है, यहाँ पे ये लेंथ है, इसकी लेंथ आपकी क्या है, ट्रायंगल और रेक्टेंगल उन दोनों का बेस एक ही है, यही जो लाइन सेगमेंट जो ट्रायंगल को भी बिलोंग करती है और यही रेक्टेंगल को बिलोंग करती है, तो आपका लेंथ भी वही होगा और ब्रेथ है 7/6 है। अब इसका हमें पेरीमीटर चाहिए, तो अभी हमने किया था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला क्या है, 2 ऑफ L प्लस बी। तो हमारा यहाँ पे L की वैल्यू क्या है, L इज इक्वल टू 2/3 अपॉन 4 और B इज इक्वल टू 7/6, ये हमारी L की वैल्यू और B की वैल्यू है ना। तो यहाँ पे 2/3 अपॉन 4 मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 11/4 आएगा। अब हम इसे देयरफॉर फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ऑफ एल प्लस बी। तो 2 एल की वैल्यू 11/4 प्लस बी की वैल्यू 7/6, 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, 4, 6 तो 2 2 2 3 2 1 3 3 1 1, एलसीएम कितना आएगा, 2 × 2 × 3 विच इज इक्वल टू 12, ये एलसीएम है। ओके, तो इसे हमें 12 में चेंज करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 6 को 12 में चेंज करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस 2 को मैं हैज इट इज लिखूंगी, 11/3 33/12 प्लस 7 × 2 = 14/12। तो 12 को मैं कॉमन ले लेती हूँ, 33 प्लस 14 करेंगे तो 47/12 आएगा। तो मैं इसे कट कर लेती हूँ, 2 1 2 6 तो कितना आएगा, 47/6। इसका अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो भी चलेगा, और नहीं भी करोगे देन आल्सो नो प्रॉब्लम। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। आपने रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया और ट्रायंगल का भी पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया, अब आपको ये भी बताना है कि इन दोनों में से किसका पेरीमीटर ज्यादा है, तो आपको इसे कंपेयर करना पड़ेगा। 177/20 है और यहाँ पे 46/6 है, तो कौन सा नंबर बड़ा है ये कैसे बताओगे, तो इसमें भी आपको डिनोमिनेटर को सेम करना है उसके बाद कंपेयर करना है, यानी कि अगर मैं 20 और 6 का एलसीएम निकालूं तो 2 2 10 2 3 जा, फिर से मैं 2 लेती हूँ, 2 5 जा 3 जा 5 1 जा 3 1 जा, तो एलसीएम कितना आएगा, 2 × 2 × 5 × 3 विच इज इक्वल टू 2 2 जा 4 4 5 जा 20 20 3 जा 60 60, इसका एलसीएम है। तो अब इसे हम 60 में चेंज करेंगे, 60 में चेंज करने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसे भी मुझे 60 में चेंज करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 7 3 जा 21 2 7 3 21 20 23 6 5 अपॉन 60, और यहाँ पे 470/60 कौन सा नंबर बड़ा है, 531 बड़ा है, यानी कि ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल है। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर। ओके, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को सेम करके पेरीमीटर का किया है। नेक्स्ट बाकी के प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय।